हेलो गाइस, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मेरी क्लास कवि तथा उनकी रचनाएं तथा उनकी जीवनी, ठीक है, एक एक करके हम सारी आपको रचनाएं करा देंगे। ठीक, चलिए आप लोग फटाफट लाइव आ जाइए। पवन, अनुराग, सुमन, कल्पना, प्रियांशु, पूजा, यदुवंशी, राधे राधे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। राहुल संक्रतायन, आज हम आप लोगों को राहुल संक्रतायन जी के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, राहुल संक्रतायन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था तथा उनके रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक, चलिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए राहुल संक्रतायन जी का जन्म कब हुआ था, बताइए। प्रबल, चलिए देखिए, राहुल संक्रतायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी में पंदह गांव आजमगढ़ में हुआ था तथा इन्हें एक उपाधि भी दी गई थी, इन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी तथा इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1963 ईस्वी में हुई थी। राहुल संक्रतायन जी की मृत्यु कब हुई थी? 14 अप्रैल 1963 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, राहुल संक्रतायन जी की रचनाएं सुनिए। बेलगा से गंगा, सतमी के बच्चे, सिंह सेनापति, जय योधे, विस्मृति यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, बहुरंगी मधुपुरी, कनेल की कथा, जीने के लिए मधुर स्वप्न, सप्त सिंधु, रूस में 25 मास, मेरी यूरोप यात्रा, वृतांत, बचपन की स्मृतियाँ, असहयोग के मेरे साथी जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, अथाओ घुमक्कड़ और जिज्ञासा। ठीक है, चलिए देखिए राहुल संक्रतायन जी का जन्म कब हुआ था 9 अप्रैल 1893 ईस्वी में। तथा इनका जन्म कौन सी जगह हुआ था? पंदह गांव, ये कहाँ पड़ता है? पंदह गांव आजमगढ़। इनको उपाधि किसकी दी गई थी? महापंडित। महापंडित की ने उपाधि दी गई थी तथा इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 अप्रैल 1963 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 अप्रैल 1963 ईस्वी में। इनकी रचनाएं, इनकी रचना है बोलगा से
गंगा, बोलगा से गंगा, सप सप्तमी के बच्चे, सप्तमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, सप्तमी के बच्चे, सिंह सेनापति, सिंह सेनापति, सप्तमी के बच्चे, सिंह सिंह सेनापति, जय योधे, जय यो धे, सिंह सेनापति जय योधे, सिंह सेनापति जय योधे, विस्मृति यात्रा, विस्मृत यात्रा, विस्मृत की यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने। चलिए ये नोट कर लिया हो आप लोगों ने। मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, इसके बाद यात्रा के पन्ने, यात्रा के पन्ने, यात्रा के पन्ने, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, यात्रा के पन्ने, किन्नर देश में, किन्नर देश में, किन्नर देश में, किन्नर देश में, मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र, बहुरंगी मधुपुरी, बहुरंगी, बहुरंगी मधुपुरी, बहुरंगी, बहुरंगी मधुपुरी, कनेल की कथा, क नेल की कथा, बहुरंगी मधुपुरी, कनेल की कथा, कनेल की कथा, घुमक्कड़ सात, बहुरंगी मधुपुरी, कनेल की कथा, जीने के लिए, जीने के लिए, जीने के लिए, जीने के लिए, मधुर स्वप्न, मधुर स्वप्न, जीने के लिए मधुर स्वप्न,
मधुर स्वप्न जीने के लिए मधुर स्वप्न, सप्त सिंधु मधुर स्वप्न, सप्त सिंधु सप्त सिंधु। रूस में 25 मास, रूस में 25 मास। सप्त सिंधु रूस में 25 मास, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा वृतांत मेरी यूरोप यात्रा वृतांत मेरी यूरोप यात्रा यात्रता सॉरी यात्रा वृतांत बचपन की स्मृतियां बचपन की स्मृतियां असहयोग के मेरे साथी असहयोग के मेरे साथी जिनका मैं कृतज्ञ जिनका मैं कृतज्ञ हूँ अथाओ घुमक्कड़। इसके बाद लास्ट है जिज्ञासा। ठीक है, चलिए नोट करिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए
इनके बारे में आप लोग बताइए, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। सुमन जी बताइए आप, इनकी चार रचनाओं के नाम बताइए। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बताइए। देखिए, सुमन जी, एक तो आपकी सही है, अर्चना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना, तुलसीदास भी है, दो और बताइए। राहुल जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। राहुल जी आप बताइए। अच्छा, चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था, निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था तथा किस सन में हुआ था, बताइए राहुल जी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है, ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी कहाँ से आ रही हैं चुनाव, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुई थी। निराला जी की रचनाएं अनामिका, परमेल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अनामिका, परमेल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अर्चना, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, अपरा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, नए पत्ते, बेला, आराधना, गीत पुंज, जूही की कली, आराधना, बेला। ठीक है, चलिए लिखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का जन्म कब हुआ था, 21 फरवरी 1896 ईस्वी में, 21 फरवरी 1896 ईस्वी में कहाँ हुआ था, मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में 21 फरवरी 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में मृत्यु कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में। इनकी रचनाएं क्या है, अनामिका, परमल, अनामिका परमल, गीतिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, गीतिका, कुकुरमुत्ता, गीतिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, अड़िमा,
अर्चना कुर्मता परमल अर्चना राम राम की शक्ति पूजा राम की शक्ति पूजा अपरा राम की शक्ति पूजा अपरा राम की शक्ति पूजा अपरा सरोज स्मृति अपरा सरोज स्मृति तुलसीदास तुलसीदास सरोज स्मृति नए पत्ते बेला आराधना नए पत्ते बेला आराधना गीत पुंज गीत पुंज जूही की कली की कली जूही की कली नोट करिए। चलिए मुकेश सुमन हिमांश अनुराग प्रबल वीर भानु संजय रावत। चलिए देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। अब अगली क्लास में हम आप लोगों को सुमित्रानंदन पंत, राजकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी इन लोगों की रचना प्लस इनकी जीवनी के बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।